The family stands in a semicircle position and they're ready to help, right? यहाँ पे the two people would have to hold the chair, right? The two people are ready to hold the chair and the third is ready to help him to get up, right? On it. Chair पे चढ़ने के लिए वो help करने के लिए ready है, right? And other one, the fourth one, ये तीन member हो गए. दो लोग चेयर को पकड़े हैं एंड तीसरा वन द थर्ड वन राइट ही इज होल्डिंग हिज हैंड एंड ट्राइंग टू लिफ्ट हिम अप कि वो क्या कर सके उस चेयर पर क्लाइम करके ऊपर खड़े हो सके एंड ही इज होल्डिंग हिम कि भाई स्टैंड प्रॉपरली डोंट फॉल डाउन लाइक दिस राइट ठीक है एंड द फोर्थ वन हैंड हिम अ नेल एंड फिफ्थ वुड गिव हिम अ हैमर ठीक है अभी पांच लोग इसमें एंगेज हो गए हैं एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ होती है एक नेक्स्ट थिंग आती है आपके सामने कि यहाँ पे आपने देखा कि पांच लोग लगे हुए हैं द टू पीपल आर एंगेज इन होल्डिंग द चेयर थर्ड वन इज़ हेल्पिंग हिम टू क्लाइम अप द चेयर राइट एंड द फोर्थ वन इज गिविंग हिम नेल और हैंडिंग हिम नेल एंड द फिफ्थ वन इज हैंडिंग हिम हैमर इन दिस सीन यू फाइंड आउट दैट नेल जो होता है राइट वो नेल नीचे चल जाता है या गिर जाता है अंकल पॉजर लॉस्ट द नेल उनके हाथ से वो नेल जो है वो गुम हो जाता है एंड नाउ ऑल द पीपल हेल्पिंग देयर दे जस्ट ऑल बेंट ऑन देयर नीज एंड दे ऑल आर इन्वॉल्व इन सर्चिंग दैट नेल वो सारे के सारे लोग क्या चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो नेल कहाँ चला गया राइट एंड एवरी वन इज सर्चिंग द नेल कि भाई वेयर इज द नेल वॉट टू डू विथ इट नाउ अब स्टोरी में आगे देखते हैं कि नेल जो है वो तो गुम गई है उसको सब ढूंढने में लगे हुए हैं एवरीबडी इज एंगेज इन फाइंडिंग द नेल बट आफ्टर सम टाइम हैमर भी जो होता है वो भी लॉस्ट जाता है इट्स अ बिग क्वेश्चन कि ये काम होगा कि नहीं होगा कि बस इसी तरीके से कभी नेल घूम रही है कभी हैमर घूम रहा है कभी अंकल पॉजर को चोट लग रही है एक्चुअली हो क्या रहा है कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही राइट यहाँ पे आगे अंकल पॉजर कहते हैं कि नाउ आई गॉट द नेल बट वेयर इज द हैमर राइट अब यहाँ पे नया कुछ गुम हो गया है हैमर मीन्स होता है हथौड़ा राइट तो अब वो हैमर के लिए पूछ रहे हैं कि नाउ आई फाउंड द नेल बट वेयर इज द हैमर नाउ आई एम नॉट एबल टू फाइंड द हैमर ओ गॉड इट्स अ ग्रेट मेस नाउ अब देखते हैं आगे क्या होता है ओके वो अगेन सब पर ब्लेम करते हैं कि ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू ऑल डोंट नो दैट वेयर आई हैव केप्ट द हैमर कि वो ये भी ऐड कर रहे हैं कि आई हैव केप्ट द हैमर राइट आई हैव केप्ट द हैमर देन ऑल्सो आप लोग ये नहीं जानते आप लोग सातों लोग जितने भी लोग हैं आप सब यहीं खड़े हैं देन स्टिल यू डोंट पीपल नो स्टिल यू पीपल डोंट नो कि वेयर आई हैव केप्ट द हैमर वो ये कहते हैं आगे वो इस स्टोरी में कहते हैं कि अब उनको हैमर भी नहीं मिल रहा फाइनली उनको किसी भी तरीके से हैमर मिल जाता है बट द अगेन क्वेश्चन अराइजेस नाउ कि वो प्लेस कहाँ था जहाँ मार्क किया गया था कि ये इस पिक्चर को हमको हैंग करना है जैसे कि आपके यहाँ भी होता होगा कि जब कोई पेंटिंग वॉल पेंटिंग या इस तरह के फ्रेम्स को हम हैंग करने जाते हैं तो हमें क्या करते हैं मार्क लगाते हैं राइट उस मार्क पर हम क्या करते हैं नेल को हैमर के थ्रू क्या करते हैं उस वॉल के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चल रही थी बट यहाँ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वे में चल रही थी नाउ द सीन इज कि वहाँ का जो मार्क था वो अब अंकल पॉजर को नहीं दिख रहा था और एक्यूरेट मार्क वो लोग जज नहीं कर पाए थे एक्चुअली नो वन इन द फैमिली राइट इज एबल टू जज कि एक्यूरेट मार्क कहाँ चला गया एवरी वन इज सजेस्टिंग द डिफरेंट मार्क्स फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर यू कैन सी दैट कि मान लीजिए दिस इज़ अ वॉल अब वहाँ पर वो अलग अलग डायरेक्शंस में बता रहे हैं कि इट कुड बी अ मार्क इट कुड बी अ मार्क इट कुड बी अ मार्क इट कुड मतलब उस वॉल के कुछ हिस्से में बहुत सारी मार्किंग्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं राइट अगर ये पॉसिबिलिटीज़ केवल एक पॉइंट के थ्रू हो तो इट विल नॉट क्रिएट अ ग्रेट मिस बट अगर ये हम अगर नेल के थ्रू करें राइट नेल या हैमर के थ्रू करें तो उस वॉल
की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो उस जो हम कहते हैं वॉल में बहुत सारे होल्स या पिन होल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे बात आ रही है कि अब जो मार्क है वो मिस हो गया है, और एवरी वन इज़ एंगेज इन डिस्कवरिंग वेयर इज़ द न्यू मार्क। एवरी वन इज़ डिस्कवरिंग द मार्क इन डिफरेंट प्लेस। ठीक है, वो हर कोई क्या कर रहा है, उस मार्क को अलग अलग जगह पर क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। हियर अगेन अंकल पॉजर सेज, यू ऑल आर फूल्स, तुम सब के सब गधे हो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, यू ऑल आर फूल्स वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि यू ऑल आर फूल्स, राइट, तुम सब गधे हो, और तुमने क्या कर दिया, एक के बाद एक इस चेयर पे चढ़ के तुमने क्या किए, बहुत सारे मार्क्स डिस्कवर कर दिए हैं। ठीक है, और एक काम करो, अब तुम क्या करो, जो लास्ट जो भी पर्सन था, फैमिली मेंबर था, जो चेयर पे क्लाइम किए थे, उनको क्या बोलते हैं, यू गेट डाउन फ्रॉम द चेयर, आई विल मैनेज इट। ठीक है, आई विल मैनेज इट और आई विल फिगर आउट, यू लीव इट, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, या क्या करना है इसके साथ मैं कर लूँगा, तुम क्या करो, रहन दो, यू सिट देयर एंड सी वॉट आई एम डूइंग, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं। राइट, ओके, अगेन वो क्या करते हैं, वो सबको नीचे उतार देते हैं वन बाय वन, उसके बाद वो फिर से मेजर करने लगते हैं। और जब वो फिर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने मेजरमेंट्स को लेकर के अगेन कन्फ्यूज हो जाते हैं, और ही इज़ गोइंग क्रेजी, वो क्या होने लगते हैं, पागल से होने लगते हैं, और वो मैट से फील करने लगते हैं, क्योंकि उनको सही जो मार्क का जो उन्होंने मेजरिंग किया था वो समझ में नहीं आता है, और वो अगेन उस क्लम्जीनेस में, उस कन्फ्यूजन में फंसते चले जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि इस लेसन में और क्या है, गोइंग थ्रू रीडिंग सेक्शन में हम और रीड करेंगे, और उसके बाद इस लेसन के लास्ट सीन को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। चलिए हम रीडिंग सेक्शन में चलते हैं, और चैप्टर के रीडिंग पार्ट को सुनने के बाद हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड इन द नॉइस दैट वॉज बींग मेड बाई एवरीबडी द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन and Uncle Podger would have to measure it again. He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was trying to reach a spot 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would fall onto the piano, a really fine musical effect being produced when his head and body suddenly struck all the notes at the same time. And Aunt Maria would say that she would not allow the children to stand round and hear such language. At last, Uncle Podger would find the spot again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and at the first attempt he would strike his thumb and drop the hammer with a loud cry on somebody's toes. Aunt Maria would say quietly that next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. सो जो मेजरमेंट के नंबर्स थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि जो उन्होंने पहले लिए थे शायद इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाउ, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने जो नंबर्स बताए थे कि इस नंबर्स को याद कर लो, ये मेजरमेंट के नंबर्स हैं, अगेन जितने भी फैमिली मेंबर्स थे दे ऑल आर कंफ्यूज्ड एंड दे ऑल फॉरगेट द थिंग्स। तो उन्होंने जब नंबर्स को मेजरमेंट की जो नंबर्स हैं उनकी बात आई तो सब ने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बताए। तो यहाँ पर जो बात है, जब अंकल पॉजर ने सबको फूल कहा था, तो अगेन ऑथर वॉन्ट्स टू से कि फाइनली जो है ओल्ड फूल क्या करता है, ओल्ड फूल मीन्स अंकल पॉजर, राइट, ओल्ड फूल क्या करते हैं, वो चेयर पे चढ़ जाते हैं, और ही क्लाइम द चेयर एंड ही ट्राई टू मार्क द एक्यूरेट मार्क ऑन द
बॉल राइट. अब यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सही मेजरमेंट्स लें एंड देन ही विल पुट एन एक्यूरेट मार्क एंड इसके बाद वो क्या करें, ही हैंग द पिक्चर राइट. यहाँ पे अगेन वो करते हैं, फाइनली ही डिसाइडेड टू डू दैट कि अब मुझे वो मार्क मिल गया है, नाउ आई विल डू वॉट, आई विल मार्क, आई हैव फाउंड द मार्क, नाउ आई विल पुट द नेल एंड हैमर ऑन इट. सो इससे क्या होगा, आफ्टर दैट आई विल हैंग द पिक्चर राइट. ओके, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है. आफ्टर फ्यू सेकेंड वेन ही हिट द नेल फर्स्ट टाइम, उन्होंने पहला हिट किया जैसे ही हैमर को, द फर्स्ट हिट ठीक है, वो कहाँ जा कर के लगी, ही हिट ऑन हिज थंब. यहाँ पे अगेन वो क्या करते हैं, अपने जो थंब है उसको हर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे वो इतने परेशान जाते हैं क्योंकि उनका जो थंब है उस पर वो फर्स्ट स्ट्रोक मारते हैं और यहाँ पे जो उनका थंब है वो हर्ट जाता है और वो बहुत पैनिक करने लगते हैं. अगेन वही सेम चाव स्टार्ट होता है जो एट द टाइम जब उनके एक फिंगर पे कट लगा था जो उस समय हुआ था. बट कुछ टाइम और इस तरीके से जाने के बाद अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनली वो पिक्चर जो है वो वॉल पे हैंग होती है या नहीं. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे मेसीनेस के बाद जितनी भी चीज़ें कर सकते थे अंकल पॉजर करने की कोशिश कर रहे हैं, देन ऑल्सो वॉट ही डिड कि ही स्ट्राइक हिज थंब, स्ट्राइक ऑन हिज थंब एंड उस वजह से उनका जो थंब है वो हर्ट जाता है एंड द हैमर फॉल डाउन और किसी के टो को, शायद नीचे कोई खड़ा था, समवन वाज स्टैंडिंग देयर और वो उसके टो को हर्ट करते करते बच जाते हैं. ओके, यहाँ पे आंट मारिया वो कहती हैं कि फिर से अगर कभी ये सब काम होता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी अर्लियर राइट, बिकॉज आई वुड लाइक टू जॉइन माय मदर एट हर प्लेस बिफोर हैंडलिंग दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे वो कहती हैं. साथ में आंट मारिया एक चीज़ और ऐड करती हैं, जब अंकल पॉटर ने ये कहा था कि यू फूल, यहाँ पे यू फूल इज़ अ बैड लैंग्वेज राइट, तो उस समय उस जो आंट मारिया हैं वो एक चीज़ और ऐड करती है दैट शी वांट्स कि वो बच्चे वहाँ पे ना रहे बिकॉज बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा एंड शी वांट्स दैट कि जब अंकल पॉजर इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम जो बच्चे हों वहाँ से दूसरे कमरे में चले जाएं. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नॉवल और यू कैन से दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बुक जो मैंने आपको बताया, थ्री मैन इन अ बोट, उनमें से एक एक्सट्रैक्ट जो है दिस हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय दिस लेसन राइट. और अभी तक आप अगर इस स्टोरी के कंक्लूशन में देखेंगे तो इस स्टोरी के कंक्लूशन में शायद आपको पता नहीं चल पाया है कि वो पिक्चर हैंग हो पाई या नहीं पाई. येट वो पिक्चर जो है हैंग तो हुई राइट, दैट पिक्चर वॉज हैंग, लेकिन वो जो मेसनेस हुई थी, वो जो मेसीनेस बढ़ा था, जो क्लम्जीनेस बढ़ा था और साथ ही साथ उस वॉल की अगर आप हालत को इमेजिन करें ठीक है, उस वॉल की अगर हालत को इमेजिन करें तो बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होगी, बहुत ही दुख फील होगा बिकॉज द होल वॉल बुरी तरीके से उसको खोद दी गई थी. हम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो पूरी तरीके से वो पूरी दीवार जो थी वो खुदी हुई थी, या हम कह सकते हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स या होल्स हो चुके थे राइट. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो एंड होती है कि अंकल पॉटर हैंग्स अ पिक्चर, बिल्कुल अंकल पॉटर ने एक पिक्चर को टांगा बट विथ लॉट्स ऑफ क्लम्सीनेस, लॉट्स ऑफ मेसीनेस एंड लॉट्स ऑफ चाउस राइट. और इसके साथ आई होप ये लेसन के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. हम आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ एंड साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस भी कंटिन्यू करेंगे. So as you came to know that this story is little bit incomplete, ये तो मैंने assumption लगाया कि शायद उन्होंने वो picture hang कर दिया होगा, but जहाँ तक we found the story, यहाँ तक हमने पाया है कि अंकल पॉजर ने अभी तक जो है उस पिक्चर को हैंग नहीं किया राइट. यहाँ पे आंट मारिया का स्टेटमेंट जो आपने सुना कि दिस इज़ ऑल डन, नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा फिर से करते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो अर्लियर सो दैट आई कैन शिफ्ट
to my mom's house and I want to spend some time with her in her house, right? तो यहाँ पर हमने chapter को end किया है and now coming to the word meaning in the context. First word is on your screen. There are total three words given. First one is charwoman. Charwoman means house cleaner, right? Second one is spirit level. Spirit level means an instrument used to check the surface level. And ladder. Ladder means stair made of bamboo or metal. So यहाँ पे word meanings आपको दी गई हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग नहीं दी है. चलिए आपको हिंदी में बता देते हैं. चार वुमेन किसे कहते हैं? वो हेल्पिंग हैंड्स जो हमारे घर के रेगुलर कामों में हमारी मदद करते हैं, जिन्हें हम हाउस क्लीनर्स कहते हैं. ठीक है, ओके. स्पिरिट लेवल हम किसे कहते हैं? स्पिरिट लेवल जैसे कि यहाँ बताया, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सरफेस का लेवल को चेक करने के लिए यूज़ होता है. और लैडर जो होता है, लैडर जो हम अच्छे से जाते हैं, सीढ़ियों को कहते हैं, जो कि बैम्बू या फिर मेटल से बनी होती है. ओके, अगेन कमिंग टू द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे यहाँ पे गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स, राइट. अब यहाँ पे आपको बताना है कि अंकल पॉजर यूज्ड इन ऑर्डर टू हैंग द पिक्चर, राइट. रीड द स्टोरी अगेन एंड लिस्ट द आइटम्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अलग वे में या अलग अलग करके यहाँ पर जो आपको एक लिस्ट दी गई है, ये सीक्वेंस में नहीं, राइट. यू हैव टू पुट द मटीरियल्स, ओके, और पुट द नेम ऑफ द मटीरियल्स इन अ लिस्ट और इन अ सीक्वेंस हम कह सकते हैं. लिस्ट में तो वो अपने आप आ जाएगी, राइट. सो यहाँ पे हम पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में जो मटीरियल्स दिए गए हैं वो किस ऑर्डर में है. पहला दिया है स्ट्रिंग दिया है, देन नेल्स दिए हैं, देन लैडर दिया है, देन पिक्चर दिया है, देन हैमर दिया है, देन रूल दिया है, देन स्पिरिट लेवल दिया है, देन लाइट दिया है, देन पिक्चर कॉर्ड दिया है. सो एज यू पीपल नो कि सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा था, सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड फॉर नेल, राइट. उसके बाद ही आस्क्ड फॉर हैमर. हैमर के बाद उन्होंने कहा था कि ही विल नीड रूल. रूल के बाद उन्होंने कहा था कि ही विल नीड स्प्रिट लेवल. स्प्रिट लेवल के बाद उन्होंने कहा था कि उनको लाइट चाहिए होगी. देन ही टोल्ड कि नाउ ही विल नीड पिक्चर कॉर्ड. आफ्टर पिक्चर कॉर्ड ही सेड ही नीड पिक्चर एंड देन लैडर एंड देन फाइनली ही आस्क फॉर द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग उन्होंने मेजर के लिए भी लिया था आफ्टर रूल. रूल से वो मेजरमेंट भूल जा रहे थे, देन उन्होंने स्ट्रिंग से नापना स्टार्ट किया था. तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा था, नेल. नेल यानी क्या होती है, कील. हैमर सेकेंड. सेकेंड हैमर मांगा था, तो हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा, राइट. एंड थर्ड, थर्ड मीन्स रूल, राइट. रूल मेजरिंग टेप भी कह सकते हैं या आप स्केल बोलते हैं, उन स्केल को भी हम रूल की कहते हैं, राइट. उसके बाद उन्होंने मांगा था स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल की मीनिंग अभी हमने जस्ट देखी है. फिर लाइट की बात हुई थी. लाइट के बाद उन्होंने पिक्चर कॉर्ड मांगा था. पिक्चर कॉर्ड के बाद पिक्चर मांगा था. पिक्चर के बाद अगेन लैडर मांगा था. और लैडर के बाद हमने देखा कि अंकल पॉजर ने फिर स्ट्रिंग मांगी थी. सो दिस सीक्वेंस में यू हैव टू राइट द मटीरियल इन दिस सीक्वेंस, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वेयर फूल्स, व्हाई डिड अंकल पॉजर थिंक सो अबाउट देम. ओके, सो अंकल पॉजर थिंक दैट द चिल्ड्रन इन द हाउस वेयर फूल्स. क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब ही लॉस्ट हिज कोट, एट दैट टाइम चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू फाइंड हिज कोट, राइट. अब जब अंकल पॉजर है, एक्चुअली ही वॉज ऑलरेडी सिटिंग ऑन द कोट, राइट. सो हाउ विल एनी वन विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, बट स्टिल ही सेड दैट यू ऑल आर फूल. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ पर्सन इन माई होल लाइफ दैट नो वन इज नोइंग कि वेयर इज माई कोट. This is the first time. Second time when he lost nail, again everyone bent on their knees and started searching for the nail. This time again he said ki no one is able to find the nail, what you are all are doing here, right. The third thing happened when he lost his hammer.
अगेन ही ब्लेम ऑल द चिल्ड्रन एंड द फैमिली मेम्बर्स की यू ऑल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट ओके देन ऑल्सो यू ऑल डू नॉट नो वेयर आई केप्ट इट राइट ओके उसके बाद जब उन्होंने मेजरमेंट्स की बात की दिस इज द फोर्थ टाइम व्हेन फाइनली अंकल पॉजर सेज दैट कि यू ऑल आर फूल सो द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली नॉट फूल एक्चुअली दे वॉन्ट टू हेल्प अंकल पॉजर बट अंकल पॉजर वॉज क्रिएटिंग अ ग्रेट मेस सो दे आर नॉट एबल टू हेल्प हिम इन दैट केस टू डिफेंड हिमसेल्फ अंकल पॉजर ने उन लोगों को फूल कहा था ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन सेज डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड hang the picture himself why was uncle Podger was not able to do it see as we read in the story that uncle Podger was not able to hang the picture right he was not able to hang the picture not able to hang the picture he was not at all able to hang the picture but then also he was insisting and forcing everyone that he'll do the work and he is the right person to do the job actually he wants to justify himself that he is also a useful person of the family for this reason only he was insisting everyone right that he will hang the picture on the wall okay moving toward another question the question is the story of hanging the picture is incomplete right what happened after uncle Podger dropped the hammer at the end of the story okay so finally at the end of the story aunt maria said that ki if you are doing it again any time let me inform ठीक है प्लीज इन्फॉर्म मी है ना बिफोर डूइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू जॉइन माई मॉम एट हर प्लेस है ना बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस चाओस और मेसिनेस एंड वेन यू कम्प्लीट यू वर्क और आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वर्क जस्ट कॉल मी दैट द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड ओके सो ये आंट मारिया का था कि जब अगर फिर से अगर आप ऐसा काम कुछ शुरू करते हैं तो प्लीज़ मुझे पहले इन्फॉर्म करिएगा तो मैं क्या करूँगी मैं अपनी मॉम को उनके घर पर ज्वाइन करूँगी मैं उनके साथ कुछ दिन रहूँगी और जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाता है बिकॉज वो दिख नहीं रहा था कि वो फिनिश हो पाएगा तो आप मुझे एक कॉल कर देना आई विल बी हियर ठीक है वो इतना ही कहना चाहती थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन फोर एक्शंस दैट मेक अंकल पॉजर अ फनी कैरेक्टर राइट यहाँ पे आपको चार ऐसे जो है एक्शंस लिखने हैं जो कि अंकल पॉजर को एक फनी कैरेक्टर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही मिस हिज कोट राइट वहाँ पर वो क्या कर रहे थे अपने कोट पर बैठे हुए थे राइट सेकेंडली जो चीज़ है जब उनका हैंड कट हुआ था व्हेन ही गॉट अ कट ऑन हिज हैंड एट दैट टाइम वो किस तरीके से उन्होंने पूरे घर पर या उस हॉल में धमा चौकड़ी मचा रखी थी और चाओस क्रिएट किया था वो आपने अभी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सुना थर्ड थिंग अगेन उन्होंने क्या किया कि नेल के साथ साथ हैमर को भी मिस कर दिया एंड ही अगेन ब्लेम द अदर फैमिली मेम्बर्स ओके और फोर्थ थिंग उन्होंने क्या किया फाइनली ही हर्ट हिज थंब ठीक है मेजरमेंट तो भूल गए सो कॉमन सी चीज़ है किसी के साथ भी हो सकता है बट उन्होंने क्या किया एट द टाइम ही वॉज हिटिंग द नेल बाय द हैमर उन्होंने सबसे पहला हिट या स्ट्रोक जो किया था उन्होंने अपने थंब पर कर लिया था सो इन दिस वे हम जज कर सकते हैं या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंकल पॉजर हैं अंकल पॉजर एक फनी कैरेक्टर हैं राइट ओके नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन व्हाट डिड आंट मारिया से व्हेन अंकल पॉजर यूज्ड बैड लैंग्वेज राइट व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर ओके यहाँ पे क्वेश्चन इज देयर कि आंट मारिया ने उस समय क्या कहा था जब अंकल पॉजर ने बैड लैंग्वेज यूज़ की थी राइट तो ये उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है किसके कैरेक्टर के बारे में आंट मारिया के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है सो यहाँ पे आंट मारिया ने एज आई टोल्ड यू दैट शी सेड कि
चिल्ड्रंस यू गो एंड सिट ऑन अनदर रूम, ठीक है, अंकल पॉटर विल डू इट बाय हिमसेल्फ, राइट. एंड दिस शोज की जो आंट मारिया थी शी इज़ अ डिसिप्लिन पर्सन एंड शी डजेंट वॉन्ट कि उनके बच्चे इन सब चीज़ों के से गो थ्रू हूँ एंड दे लर्न सच काइंड ऑफ बैड वर्ड्स. सो वो एक डिसिप्लिन पर्सन थी, उनको उनके घर में डिसिप्लिन पसंद था, राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन. क्वेश्चन सेज डिड आंट मारिया हैव कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोजर विल हैंग द पिक्चर. सो बिल्कुल नहीं, नो शी डिड नॉट actually had the confidence that Uncle Podger will hang the picture. How many times did Uncle Podger fail to hang the picture? List the evidence from the family. So you have to answer this question ki how many times he failed to hang the picture. Actually aap measure kare to first time wo jab unke haath se wo picture gir gayi thi and the glass broke down, theek hai, this was the first breakdown. Second, when he missed the nail and the hammer, ठीक है, okay. Third जो था, when he missed his mark, ठीक है, third time. And the fourth, when he hit himself or when he hit his thumb. So in this way we can say that four times Uncle Podger failed to hang the picture. Okay, now moving toward the other question. Here is the question on your screen. Question says, read the incidents given in the table below and pick out adjectives from the box to describe Uncle Podger. आपको incidents को याद करना है और आपको एक help box दिया गया है, उसमें कुछ adjectives दिए गए हैं, right? उन adjectives को read करना है. वहाँ पर आपको नीचे एक table मिलेगा, वहाँ पर कुछ statements दिए हैं, उनको read करते हुए इन adjectives को क्या करना है, set करना, right? Okay. पहले उन adjectives को read कर लेते हैं. पहला word दिया गया है disorganized. डिसऑर्गेनाइज का ऑपोजिट क्या होगा, ऑर्गेनाइज, राइट. ऑर्गेनाइज मतलब सब चीज़ें व्यवस्थित सही जगह पे होंगी, डिसऑर्गेनाइज मतलब सारी चीज़ें सही जगह पे नहीं होगी, राइट. ओके, फॉरगेटफुल मतलब भूल जाना, ओके. ब्लेम अदर्स मतलब दूसरों पर आरोप लगाना, टू स्टैंड समवन, ओके. केयरलेस होना, और उसके बाद क्लम्जी होना, क्लम्जी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे अपने ही कामों में फंसा रहना, और उसके बाद इम्पेशेंट होना. इम्पेशेंट होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान रहना, उनको अभी की अभी कोई चीज़ करनी है या किसी चीज़ को लेकर के इतना पैनिक करना कि वो चीज़ उनको अभी की अभी चाहिए, तो वो इम्पेशेंट होना होता है. धैर्य की कमी हम हिंदी में कह सकते हो, राइट. ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट्स जो हैं उसको रीड करते हैं और उसके आगे उन एडजेक्टिव्स, या हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स को हम बताने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ अंकल पॉटर, राइट. सो फर्स्ट इंसिडेंट इज ऑन योर स्क्रीन.